अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौसम कमाल और आप देख रहे हैं कमाल स्पोर्ट्स। दोस्तों पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने कहा शानदार और जिम्मेदाराना इनिंग्स के लिए 281 रन बनाए इंग्लैंड टीम ने, तो पाकिस्तान का जो आगाज था अच्छा ना था। पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज इमामुल हक बिना कोई स्कोर बनाए पवेलियन वापस लौट गए और उसके बाद अब्दुल रशीद भी बड़ी इनिंग्स ना खेल सके, सिर्फ 14 रन बना सके, लेकिन पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने भरपूर तरीके से मुकाबला किया इंग्लैंड के बॉलर्स का और इस वक्त वो 61 रन बनाकर करीज पर मौजूद हैं। पाकिस्तान का मजमू स्कोर हो चुका है 107 और उनका भरपूर तरीके से साथ दे रहे हैं साउथ शकील, 32 रन बनाकर इस वक्त वो नॉट आउट है और इंग्लैंड ने बनाए थे 281 रन और उसके जवाब में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम अच्छी इनिंग्स खेल रहे हैं। इमामुल हक का काम हुआ और उसके बाद अब्दुल रशीद भी बड़ी कारकर्दगी ना दिखा सके, लेकिन पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की जितनी तारीफ की जाए कम है। शानदार बल्लेबाज हैं, ओडीआई में पहले नंबर पर हैं लेकिन टेस्ट में उनका नंबर 30 है और इंशाल्लाह पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए टेस्ट में भी वो पहली पोजीशन हासिल कर लेंगे। पाकिस्तान के बल्लेबाजों को अब शानदार बैटिंग करना होगी और इंग्लैंड के खिलाफ इस टेस्ट मैच में कामयाबी हासिल करना होगी ताकि पाकिस्तान टीम इस टेस्ट मैच को जीत कर सीरीज को लेवल कर सके। उम्मीद है पाकिस्तान की टीम बेहतरीन कारकर्दगी दिखाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।